हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल के चैप्टर के बारे में डीप स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के डीप स्टडी कर चुके हैं, जिनमें हमने यहाँ पे 5 लेक्चर को कवर करा दिया है। तो अभी तक आपने वो प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं, या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप यहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि वर्ग वर्गमूल के बारे में समझना पड़ेगा कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होता है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे घन और घनमूल क्या होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल पे यहाँ पे हम 4 कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्रेंड्स आपका पहला कंसेप्ट होगा यानी कि सिंपल प्रश्न। उसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफिक मतलब कि क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि फ्रैक्शन वाले भी वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जानते हैं कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको समझना होगा स्क्वायर यानी कि वर्ग क्या होता है। तो स्क्वायर वो संख्या होती है जब हम किसी भी संख्या में उसी संख्या से मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, वर्ग यानी कि स्क्वायर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए कि 7 एक संख्या है और 7 में मैंने क्या बोला कि वर्ग वह संख्या होती है जो किसी भी संख्या में उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होती है। तो देखिए, जो 7 × 7 मैंने कर दिया तो यहाँ पे जिसका यहाँ पे जो गुणनफल प्राप्त होगा यानी कि 49 यानी कि 49 यहाँ पे संख्या प्राप्त हुई, यही इसकी क्या हो गई, स्क्वायर प्राप्त हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल समझिए। तो वर्गमूल वह संख्या होती है जो इस संख्या का यहाँ पे वो होता है जो कि यहाँ पे क्या होता है कि दोनों का कम्बिनेशन करके बनाया जाता है, मल्टीप्लाई करके बनाया जाता है। और यहाँ से इसका फ्रेंड्स मैं बता दूँ, यहाँ पे वर्गमूल जो होती है इसी संख्या यही जो संख्या होती है सेम संख्या से गुणा करके बनाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 7 है यानी कि 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल यहाँ पे 7 हो जाएगा। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ जो वर्गमूल का यहाँ पे साइन होता है, हम वर्गमूल के साइन को इस यानी कि करण यानी कि इसका नाम है क्या, रूट, इसका हम बोलते हैं रूट या करणी बोल सकते हैं, रूट बोलेंगे या करणी बोलेंगे। ओके, इसे हम यानी कि ये वर्गमूल का एक चिन्ह होता है। और फ्रेंड्स, इसको एक और यहाँ पे चिन्ह से नोट किया जाता है, यहाँ पे 2 भी कभी कभी लिख देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके फ्रेंड्स, तो देख लीजिए जो वर्गमूल के यहाँ पे साइन आपको यहाँ पे चिन्ह दे दिया गया है कि अगर किसी भी संख्या में यहाँ पे अगर लग गया यानी कि 7 × 7 अगर लग गया तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या का क्या करना है, आपको वर्गमूल फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम वर्ग और वर्गमूल में अंतर डिफरेंस समझ लिए। अगर इस एक और एग्जाम्पल ले लिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का मतलब कि 100 का वर्गमूल यानी कि 100 का यहाँ पे अब अगर आप वर्गमूल लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 को क्या करेंगे, आप अंडर रूट में कर देंगे यानी कि यहाँ पे करड़ी में कर देंगे। यहाँ पे 2 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई मतलब नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सेम संख्या, वो कौन सी सेम संख्या होगी जो दोनों का गुणनफल यहाँ पे जो उसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पे जो गुणनफल होगा 100 प्राप्त हो जाएगा। तो दिमाग में यहाँ पे घूम रहा होगा यानी कि 10 × 10 करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी 100 प्राप्त हो जाएगी, और यहाँ पे 1 10 बाहर निकल जाएगा तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 10 संख्या प्राप्त हुई है यही 100 का वर्गमूल हो जाएगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्यूब और क्यूब रूट के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप समझिए कि क्यूब क्या होता है यानी कि घन क्या होता है। तो जब किसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल आपका क्यूब कहलाता है। समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ, कि जब किसी संख्या में उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए, कि 2 बार और का मतलब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ 7 का हम घन निकाल रहे हैं तो 7 का घन निकालने के लिए इसी संख्या में फिर 2 बार मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या इस
इस संख्या का घन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसका गुणनफल 343 आपको मिल गया, तो 343 मिल गया, तो 343 वह संख्या है, वो कौन सी संख्या है, जो 7 की घन है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 7 का घन बराबर यहाँ पे 7 का होल क्यूब इक्वल टू 343। तो ये था आपका क्यूब, ओके समझ गए। अब देखिए क्यूब रूट समझिए यानी घनमूल समझिए, तो घनमूल वह संख्या होती है जो इसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद एक संख्या आपसे मिलती है। यहाँ पे अगर मैं 343 का क्यूब रूट लिखूँ तो सबसे पहले क्यूब रूट का ये साइन समझ लीजिए करड़ी होगा, लेकिन यहाँ पे 3 यहाँ पे होगा, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब जो पेयर बनेगा 3 का बनेगा। यानी यहाँ पे 343 का अगर आप घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 7 × 7 × 7 करके यहाँ पे फिर यहाँ पे साइन लगाएंगे करड़ी का यानी कि क्यूब रूट का, और यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे क्या करेगी बाहर आएगी, तो यही जो संख्या होगी यानी 343 की यानी कि क्या हो जाएगी घनमूल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका वर्ग और वर्गमूल एवं घन एवं घनमूल। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे आपको लेके चलते हैं वहाँ पे कंसेप्ट के बारे में कि सबसे पहले वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल में कैसे कैसे कंसेप्ट पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स हम यहाँ पे 0 से हाई लेवल तक यहाँ पे हम क्वेश्चन को टच करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे सिंपल प्रश्नों को सबसे पहले हल करने वाले हैं, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा करके आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगले अगले कंसेप्ट में, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट जो आपका यहाँ पे होगा, सबसे पहला जो कंसेप्ट होगा वो कौन सा होगा, साधारण यानी कि सिंपल प्रश्न यहाँ पे होगा, साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न। तो सबसे पहले फ्रेंड्स समझिए कि स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट में साधारण यानी कि सिंपल क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन होगा इस कंसेप्ट का, अपने यानी स्क्रीन पे देखिए सबसे नीचे यहाँ पे क्वेश्चन को दिखा रहा होगा, क्वेश्चन देख रहे होंगे फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन समझिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे अंडर रूट करके 0.121 यानी कि देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे 0.121 का यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। देखिए मैंने बता दिया था यहाँ पे जो 300 मतलब यहाँ पे जो 49 था ना, तो 49 अगर करड़ी में था तो इसका मतलब ये था कि आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है 0.121, ओके तो 0.121 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं जो वर्गमूल निकाला जाता है, तो वर्गमूल निकालने के लिए दो विधियां होती है, एक होती है गुणनखंड विधि और जो दूसरी होती है वो क्या होती है, भाग विधि। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो गुणनखंड विधि होती है फ्रेंड्स, जिसे मान लीजिए यहाँ पे 49 का अगर हम गुणनखंड विधि से अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अंडर 49 को मतलब कि गुणनखंड करेंगे, इसका फैक्टर किया जाता है, तो फैक्टर करेंगे तो 7 × 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 7 बाहर निकल जाएगा। तो ये जो मेथड हुई आपकी गुणनखंड मेथड हुई, लेकिन जो इसका भाग मेथड किया जाता है फ्रेंड्स, भाग विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, 49 का हम यहाँ पे भाग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स वो ऐसी मिनिमम संख्या लेते हैं, अंक लेते हैं जो क्या करे, या तो 4 को डिवाइड करे, या अगर 4 नहीं डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे दोनों अंक ले लिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट से संख्या लेते हैं, लास्ट से दो अंक का जोड़ा लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए 7 और 7 से यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे जो संख्या लिखी जाएगी वो क्या होगी, मल्टीप्लाई के रूप में होगी, यानी कि 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49। और यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे योग लिखा जाता है, और यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है यहाँ पे एक बार में अगर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये संख्या लिखी जाएगी। ओके, तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 0 से 7 बच गया, तो इसका मतलब ये है कि 49 का जो वर्गमूल है आपका 7 है। तो ये था मतलब कि वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ, एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी क्या होती है, भाग विधि। अभी मैं आगे इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि 121 देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि 121 देख पा रहे हैं, तो 121 जो है 11 और 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात समझने वाली है, इसको पहले देखते हैं जो यहाँ पे दशमलव का यहाँ पे जो स्थान है, हम उसे देखते हैं क्या वो सम स्थान में है या नहीं।
सम स्थान का मतलब ये हुआ कि क्या वो दो स्थान पे लगा है या क्या वो चार स्थान पे लगा है या मतलब कि तीन स्थान पे लगा है। तो देखिए अगर विषम स्थान पे अगर ये लगेगा तो ये गुणनखंड विधि से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ये मतलब कि गुणनखंड विधि से हल नहीं हो पाएगा तो हम इसे भाग मेथड से करेंगे। ओके तो आइए इसे हम भाग मेथड से करते हैं। तो 121 का वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आप इसका मतलब कि पेयर निकालना है, पेयर बनाना है। तो आइए हम इसका पेयर बनाते हैं। सबसे पहले इसका पेयर बनाने के लिए हम यहाँ पे लास्ट से दो दो का यहाँ पे पेयर बनाया जाता है। तो दशमलव के बाद अगर आप कितना भी जोड़ा बना लें, जीरो लिख ले, कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 का पेयर बन गया। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे मिनिमम संख्या लेंगे जो 12 को डिवाइड करेगा या इससे कम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे 9। ओके 9 यहाँ पे गुणनफल आ गया और 1 3 यहाँ पे लिखा जाता है जो इसी का क्या होगा, वर्गमूल होगा। और पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, यानी कि दशमलव लगा लो, डेसिमल लगा लो। ओके अब देखिए ये जो संख्या होती है ये युगफल होती है, यानी कि 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 910 हो जाएगा। माइनस किया जाता है ये वाला 910 और फिर यहाँ अगला टर्म चलते हैं। तो अगला टर्म जो आपका होगा ये 4 बार में शायद जाएगा। तो देखिए 4 बार में लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 6 और 4 6 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी कि 256। ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5, यानी कि 54। तो देखिए हम यहाँ पे दो अंक ही लेके जाएंगे, आगे नहीं लेके जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका यानी कि नॉन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। क्यों यहाँ पे देखिए यहाँ पे 121 यानी कि 11 11 वाला ऑप्शन दे रहा है कि ताकि आप भ्रमित हो जाएंगे। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, नॉन ऑफ दिस भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओके अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, जो कि सिंपल प्रश्न पे आधारित होगा। जो अगले नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा इसके इससे हट के है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 0.0625 का मान होगा और यहाँ पे करड़ी में दिया गया 0.0625। फ्रेंड्स मैंने बता दिया है कि यहाँ पे जो दशमलव का स्थान सम स्थान में होगा तो ये वाला दशमलव हम गुणनखंड विधि से भी आसानी से कर सकते हैं। ओके अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसे 2-3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में बहुत कम टाइम लेना है। तो देखिए इसका अगर हम जानते हैं कि जो 625 है ना फ्रेंड्स, ये 25 का क्या है, वर्ग है। तो ये 25 का वर्ग है, इसका मतलब ये है कि इसके जगह पे अगर आप 625 को क्या कीजिए, यहाँ पे 25 और 25 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 स्थान क्या है, मतलब कि दशमलव में है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 10 to the power -4। ओके अब देखिए यहाँ पे 1 25 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 10 to the power -2 बाहर आ जाएगा, यानी 25 × 10 to the power -2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 0.000 करके 441 है। इसका आपका क्या करना है, यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे काउंट करिए 2 4 6, यानी कि दशमलव का स्थान है सम स्थान पे। तो हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, मतलब कि गुणनखंड विधि के द्वारा इसे सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम जानते हैं जो 444 है ये किसका वर्ग है, ये 21 का वर्ग है। तो सबसे पहले 21 × 21 करके यहाँ पे कितना दशमलव है, 10 to the power -6 है ना, तो यहाँ पे -6 लिख लेंगे। ओके अब यहाँ इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिए, तो 21 और यहाँ पे 10 to the power -6 का आधा जो होगा इसका वर्गमूल निकलेगा तो 10 to the power -3 हो जाएगा, यानी कि 0.021। एक और बात समझिए फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर मान लीजिए इसका जो यहाँ पे वर्गमूल जो संख्या दी गई है यहाँ पे ये काउंट कर लीजिए, इसका तो आप सिंपल जानते हैं कि 21 का है वर्ग, तो 21 लिख लीजिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 4 6 है ना, तो 6 स्थान पे जब दशमलव रहेगा ना तो आपको क्या करना है कि 3 स्थान पे 6/2 कर देना, यानी उसका आधा कर देना है। तो 6/2 करेंगे तो वो जो स्थान होगा यहाँ पे आपके वर्गमूल का मतलब क्या स्थान होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 और 4 और 6 मतलब कि 6 स्थान पे दशमलव है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 स्थान पे दशमलव कर देना चाहिए, 1 2 और यहाँ पे 3 स्थान नहीं है, तो 0 लगा के यहाँ पे इसका राइट आंसर बना सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल फंडा है और ये तो मतलब कि आपको पूरा पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में देखिए।
ऐसे ही क्वेश्चन लड़के हमेशा गलती करके आते हैं एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 0.2 का मूल्य है, तो 0.2 का मूल्य निकालने के लिए फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दशमलव का स्थान है सम है या विषम है, तो यहाँ पे देखिए एक का स्थान है तो इसका मतलब विषम है, तो सिंपल यानी कि गुणनखंड विधि से हल नहीं हो पाएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, भाग विधि से हल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, भाग विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले आइए इसको हम भाग विधि से हल करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं 0.2। तो 0.2 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कि दशमलव के यहाँ पे कई बार भी हम यहाँ पे पेयर बना सकते हैं, तो आइए लास्ट वाला जो दो और दो यहाँ पे चार का यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, ये वाला चीज़ प्लस होता है नीचे, और ये वाला चीज़ यहाँ पे मतलब कि मल्टीप्लाई के रूप में होता है, ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। और यहाँ पे देखिए माइनस होता है कितना यहाँ पे, तो 400 हो जाएगा, और 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा फ्रेंड्स, देखिए समझिए कितना बार में जाएगा, 4 में जाएगा, क्या 4 में शायद जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ये वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 16 6 और 4 8 32 37 यानी कि 336। फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 में से 3 6 यानी कि 64। यहाँ पे 4 आ रहा है इसे कुछ करके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, यानी कि 4 7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे अगर दशमलव का स्थान विषम स्थान में है तो आपको क्या करना है, सोचना नहीं है, गुणनखंड विधि का अप्लाई नहीं करना है, आपको सीधे भाग विधि पे आ जाना है, बस इतना फंडा याद रखिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन मतलब कि आसान है, उतना हार्ड नहीं है। क्वेश्चन देखिए कि 0.09 का वर्गमूल निकालिए, इसका मतलब ये है कि यानी कि अंडर रूट निकालिए। ओके, यहाँ पे देखिए जो दशमलव का स्थान है सम स्थान पे, यानी इसका हम गुणनखंड विधि से आसानी से कर सकते हैं, यानी कि जो 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, किसका वर्ग है, तो 3 और 3 का, यहाँ पे 3 × 10⁻², 1 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 10⁻²² है, इसका 1 मतलब कि बाहर निकल जाएगा, यानी कि 10⁻¹ हो जाएगा, यानी कि 0.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा समझिए, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ऐसा एक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है आपसे, ये वाला जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का आप लेवल देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मतलब कि मैं बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल, क्या है क्वेश्चन, कि अंडर रूट 900 प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 2 4 5 0 5 0 और 1 9 है। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स समझिए, यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो 900 है ना, 30 का क्या है, वर्ग है, यहाँ पे 30 का यहाँ पे वर्ग लिख देंगे, तो एक संख्या यहाँ पे बाहर निकालेंगे, तो 30 के यहाँ पे यानी कि 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे जो दशमलव लगा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 आसन पे लगा है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 1 आसन पे दशमलव लगा लेंगे। सिंपल फंडा यहाँ पे ये वाला, यही वाला अपनाएंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3, और यहाँ पे 2 4 6, यानी कि 6 स्थान पे आपका क्या है, पॉइंट लगा है ना, तो पॉइंट यहाँ पे 6 स्थान पे लगा है, तो आपको क्या करना है, 3 स्थान पे पॉइंट लगा देना है, यानी कि 1 2 यहाँ पे 3, यानी कि 0.003। अब इसको आप ऐड कर दीजिए कितना होगा, तो 30.3 यहाँ पे 0.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ करके है क्वेश्चन, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा मैं बढ़ा दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 0.324 × 0.081 × 4.624 अपान में है, देखिए कितना है कि 1.5625 × 0.029 × 72.9 × 64। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन दे रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम टेकन करना है, यानी कि टाइम बहुत कम लेना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप समझिए कि पॉइंट का चक्कर छोड़िए, यहाँ पे देखिए पॉइंट पूरा टोटल गिन लीजिए, कितने स्थान पर डेसिमल लगा है, यानी कि 3 आसान ये और 3 स्थान ये, 9 आसान और 3 स्थान ये, मतलब कि 3 3
छः और तीन नौ, यानी कि नौ स्थान पे ये पॉइंट लगा है, और यहाँ पे पॉइंट काउंट कर लीजिए, यानी कि चार स्थान ये और यहाँ पे चार स्थान ये, तो चार चार आठ स्थान और यहाँ पे एक स्थान लगा है, तो चार चार आठ एक नौ स्थान पर लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो नौ स्थान पे ये पॉइंट और नौ स्थान पे ये पॉइंट, दोनों पॉइंट सेम स्थान पे लगे हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंपल फंडा है, देखिए कैसे यहाँ पे 0.2 और 0.5, तो सिंपल से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि 2/5 इसे कर सकते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो 0.2/0.5 करके दोनों में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2/5। ये वाला भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे क्या, तो 324 × 81 × 46 24, ओके। अपान में करेंगे यहाँ पे 15625 × 289 × 729 × 64, ओके। चलिए इसका क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पे, इसका मतलब कि वर्गमूल निकालना है। तो क्वेश्चन देखिए, इसी काम को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे रूट रख दिया, पूरे का रूट यहाँ पे रख दो, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे 324 किसका वर्गमूल है फ्रेंड्स, मैं सीधे से यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइम नहीं लूंगा। 324 किसका वर्गमूल है, तो यहाँ पे देखिए 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आप 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बड़ा सा मतलब कि संख्या आ गई है 4624। तो 4624 का फ्रेंड्स जो वर्गमूल होता है ना, वो होता है कितना, मतलब कि 68। ये आप याद रख लीजिए, अच्छा आप यहाँ पे साइड में निकाल भी सकते हैं, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 15625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 125, ओके। और यहाँ पे 289 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे देखिए 17 का मतलब शायद होता है, हाँ 17 का ही होता है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 729 जो है ना, 729 यानी कि 27 यहाँ पे इसका वर्गमूल हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 729 का जो वर्गमूल होगा 27 होगा, और 64 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 8। अब देखिए फ्रेंड्स इसको आप क्या करिए, यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा 0.024। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे अगर आप जोड़ घटाना करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लॉस्ट होगा, तो वीडियो लंबा हो सकता है। इसके लिए हम अब बढ़ते हैं अगले नंबर कंसेप्ट के बारे में, यानी कि जो अगला नंबर कंसेप्ट होगा थोड़ा सा इससे लेवल में रखूंगा अगले नंबर कंसेप्ट के बारे में। मैं यहाँ पे टोटल चार कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, ओके फ्रेंड्स। चलिए तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो जब अगला यानी कि दूसरा नंबर कंसेप्ट होगा, वो होगा आपका वर्गमूल पर विशेष प्रश्न। वर्गमूल पर विशेष प्रश्न, अब देखिए ये कैसे विशेष प्रश्न बनेंगे भाई, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वर्गमूल पर विशेष प्रश्न कैसे बनेंगे, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन पे कि 841 का वर्गमूल 29 है, तो 0. कुछ करके यानी कि 5 स्थान पे, यानी कि 5 दिन 8 स्थान पे, यानी कि दशमलव लगा है, और 841 बराबर, यानी कि दे रहा है क्वेश्चन कि 841 का वर्गमूल कितना है, 29 है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.00002 4 5 स्थान पे रख के यहाँ पे 841 का यहाँ पे आपसे वर्गमूल पूछ रहा है। तो सबसे पहले सिंपल फंडा आप समझिए फ्रेंड्स, क्या करना है, यहाँ पे 841 का वर्गमूल 29 दिया है ना, तो यहाँ पे भी क्या है 841 ही है, तो आपको क्या करना है, इसके जगह पे 29 लिख देना है, 29 लिख देना है, समझिए क्या करना है, 29 लिख देना है, ओके। अब यहाँ पे इसका दशमलव का स्थान गिन लीजिए, यानी कि 2 4 6 और 2 8। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 8 स्थान पे दशमलव लगा है ना, तो जब वर्गमूल निकालेंगे ना, तो इसका भी क्या कर जाएगा, 2/2 हो जाएगा, यानी कि 8/2 कितना हो जाएगा 4 स्थान। तो 4 स्थान पे इसका दशमलव लगा लीजिए, 2 स्थान ये और 2 स्थान बढ़ा के यहाँ पे लगा लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लाइन का सवाल है फ्रेंड्स, मात्र बस 2 सेकंड लगेगा आपको समझने में, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, अभी और भी लाजवाब क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे करके 4096 के यहाँ पे वर्गमूल दिया गया 64, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40.096 + 0.004096 + यहाँ पे कितना जीरो है, 2 4 जीरो करके है 4096,
इसी काम को वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 64 दिया है ना, तो 64 यहाँ पे सिंपल हर जगह पे 64 लिखते जाइए, यहाँ पे भी 64 लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे भी 64 लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे भी 64 लिख लीजिए, प्लस यहाँ पर भी 64 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, पॉइंट का खेल समझना है। तो यहाँ पे दो स्थान पर अगर पॉइंट लगाया ना, तो यहाँ पे इसके एक स्थान पे पॉइंट लगाइए, हाफ कर दीजिए पॉइंट का। यहाँ पे देखिए दशमलव एक स्थान पे लगेगा, यहाँ पे देखिए चार स्थान पे दशमलव लगाया ना, तो इसमें दो स्थान पे लगेगा, यानी कि 0.64 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो चार छः स्थान पे लगाया ना, तो यहाँ पे तीन स्थान पे लगेगा, यानी कि 0.064 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे पॉइंट करके दो चार छः और दो आठ स्थान पे लगा है ना पॉइंट, तो यहाँ पे चार स्थान पे लगा दीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए, ऐड जब करेंगे ऐड कितना आएगा, आइए जोड़ते हैं, 6.4 0.64 यहाँ पे 0.064 फिर यहाँ पे 0.0064 ओके। आइए ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 और 6 10, यहाँ पे 4 और 6 10 एक 11, 4 और 6 10 एक 11, यहाँ पे हो जाएगा कितना 7.1104 इसका राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में कोई मिल रहा है उसे आप टिक कर लीजिए। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हट के पूछते हैं फ्रेंड्स आपसे। यदि यहाँ पे रूट 15 का मान कितना दिया है फ्रेंड्स, 3.88, तो आपसे पूछ रहा है कि 5/3 की वैल्यू कितना होगा अंडर रूट में करके। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट का नाम दिया, क्यों, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। क्या करना है यहाँ पे देखिए, 5/3 में मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ओके। तो ये देखिए अंडर रूट में 15/5 ये 9 हो जाएगा, यानी कि देखिए ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 15, और यहाँ पे जो 3 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना है ना 2 का, यहाँ पे एक 3 बाहर आ जाएगा, और इसी 15 की वैल्यू यहाँ पे दे चुका है कितना, 3.88/3 डिवाइड करके यहाँ पे आंसर निकाल दीजिए, यानी कि 1.2 यानी कि 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। चलिए और इस पे एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसी पे आधारित क्वेश्चन एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अंडर 35 का यानी 5.916, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 7/5 की वैल्यू बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन में आसान है, पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ ये वाला क्वेश्चन कर जाएंगे, क्यों, क्या करना है यहाँ पे 35 बनाना है ना, तो आपको क्या करना है यहाँ पे 7/5 में क्या करिए, दोनों में क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 35/5, यहाँ पे 1/5 ऊपर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 35 रूप में लिख सकते हैं ओके। इतना समझ रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, 35 की जो वैल्यू है ना यहाँ पे, मतलब कि पुट अप कर दीजिए, तो 5.916/5 तो डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 1.1, ये कितना आ जाएगा 4.3, ऐसे कुछ करके इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगला नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, अंडर रूट 625 यानी कि 625 की वैल्यू यहाँ पे 25, तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे 16 × अंडर रूट में करके 0.000625 करके यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो मैंने बता दिया फ्रेंड्स यहाँ पे 16 × यहाँ पे क्या करिए 625 के बदले में यहाँ पे 25 रख दीजिए, और यहाँ पे जितना यहाँ पे पॉइंट का स्थान दिया गया उसका आप डिवाइड कर लीजिए 2 से, तो 3 और 3 6 यानी कि इसके स्थान पे 3 स्थान पे 0 लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 6 मतलब कि 16 × 5 = 80 के 0, और 16 × 5 = 80 और मतलब कि 16 × 32 और कितना हो जाएगा 8 = 40 हो जाएगा यानी कि 400। तो इसका यहाँ पे 3 स्थान पे अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो 0.400 इसका राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स हम बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो होगा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके अगले कंसेप्ट पे आधारित होगा। तो अगला नंबर कंसेप्ट समझिए, क्या बोला जा रहा है कंसेप्ट, कि जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो,
देखिए ये वाला क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट में लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला नंबर कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसमें हम क्या जानेंगे कि जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे 44 यानी कि 441 इजिकल टू 0.02। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल के बताइए। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि अंडर रूट एक्स अपान यहाँ पे 441 अंडर रूट में यहाँ पे 0.02 हो जाएगा ना। इतना सिंपली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पे अंडर रूट एक्स इजिकल टू 0.02 और यहाँ पे 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 42 यानी कि 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा यानी कि 0.40 यानी कि 0.42 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दीजिए। 0.42 का स्क्वायर जब करेंगे इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कितना होगा, तो देखिए आइए इसे हम देखते हैं कि 0.42 का यहाँ पे अगर आप वो कर लीजिए, इसका वर्ग निकाल लीजिए, तो 42 × 84 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 8 × 16 यानी कि 4 × 8 × 16 यानी कि 1764 इसका आ रहा है। तो 1764 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 स्थान ये और इसका जो स्क्वायर होगा वो भी 2 स्थान खिसक के इधर आ जाएगा, यानी कि जो दशमलव लगेगा वो 4 स्थान पे लग जाएगा। इसका राइट आंसर देख लीजिए किसी ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगले नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 19 = 4 दिया है। यहाँ पे देखिए मैं इसको क्वेश्चन मार्क गिराने दे रहा हूँ और यहाँ पे 19 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 हो जाएगा। तो आपसे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी इसका मतलब कि इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दोनों का स्क्वायर जब करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा क्या 76 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 76 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स देखिए, 76 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 57/76, क्योंकि यही संख्या सबसे बड़ी नजर आ रही है हमारे ऑप्शन में, इसको हम राइट आंसर कर देंगे। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को कम टाइम दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क इजिकल प्लस है यहाँ पे 14 = 25। ओके इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको मतलब कि वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं, तो 1694 अपान एक्स मान लेते हैं इसको क्वेश्चन मार्क को, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका होगा 11। ओके अब दोनों मतलब कि दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 1694 अपान एक्स इक्वल टू 121 हो जाएगा ना। 121 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए आपको क्या कर दीजिए, यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1694 में यहाँ पे 1694 में आप क्या करिए 121 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये वाला यानी कि 11 बार में ये कट जाएगा और 11 का में 11 और 11 मतलब कि यहाँ पे बच गया 5, 11 + 55 और 11 × 44 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 यानी कि 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी 14 हो जाएगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए। अब फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट का हम सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अंडर रूट में करके है ये कि 1 + x / 144 = 1300 = 13/12। ओके तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, यहीं पर क्या करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो 1 + x / 144 इक्वल टू हो जाएगा ये 169/144 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं तो 144 और यहाँ पे प्लस x अपान में हो जाएगा 144, यहाँ पे इसका 169/144, इसको हम सीधे सीधे कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है तो 144 इसमें माइनस कर दीजिए, तो x की वैल्यू आपकी कितना हो जाएगी 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और फ्रेंड्स हम बढ़ेंगे यहाँ पे, अब सीधा सीधा हम पढ़ रहे हैं अगले नंबर कॉन्सेप्ट पे, जो कि वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कैसे बनते हैं फ्रेंड्स वो वाला कॉन्सेप्ट देखिए, आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यहाँ पे नाम चेंज करते हैं। जो आपका चौथा नंबर कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, वर्गमूल पर
वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न सबसे हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इसके हम दो चार मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला जा रहा है, 0.441/0.625 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन दशमलव तीन स्थान पे है और यहाँ पे भी तीन स्थान है, तो दोनों स्थान को यानी कि दोनों दशमलव स्थान को यहाँ पे आप कैंसिल आउट करिए। तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखिए 441/625 और 441 किसका वर्गमूल, मतलब कि यहाँ पे 441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 21 और यहाँ पे 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। और 25 में क्या 21 में क्या करिए 25 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 × 8 = 200 यानी कि पॉइंट में लगेगा 25 × 8 = 200 और 25 × 6 = 100 यानी कि 0.84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आइए देखते हैं। तो 0.342 × 0.684/0.000 करके 342 है और यहाँ पे 0.000 करके 171 है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तीन स्थान पे ये है और तीन स्थान पे ये है, तो तीन और तीन छः स्थान पे है, तो यहाँ पे दो चार छः स्थान पे यहाँ पे क्या करते हैं दशमलव को उड़ा देते हैं, दशमलव को यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं, बस इसका ही दशमलव यहाँ पे हम काउंट करेंगे। तो इसको हम 342 × 684 क्या करेंगे यहाँ पे 342 × 246 यानी कि 10^-6 आप आसानी से लिख लीजिए यहाँ पे × 171 हो जाएगा। ओके अब देखिए 342 से 342 कैंसिल आउट हो जाएगा और 171 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब देखिए 4 × 10^2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके चलिए ये तो आ गया इसका सोल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि इसका वर्गमूल आप निकालिए। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करिए कर्णी का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे कितना होता है 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ पे 10^6 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 10^3 का मतलब कि 1000 यहाँ पे 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन होगा ना फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 0.0196/k = 0.2। तो आप क्या करिए सिंपल इन दोनों मतलब कि पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो 0.0196/k = 0.04 इसका यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। ओके अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए k को आप यहाँ ले जाइए और इस संख्या को आप यहाँ लेके आइए, 0.1 × 0.196/0.04। ओके अब देखिए ये तो सिंपल फंडा आप जानते ही होंगे, 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 × 6 = 16 और यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा 16 यहाँ पे 4 × 9 = 36 यानी कि ऐसा करते हैं यहाँ पे तो 0.0 मतलब कि यहाँ पे 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि k की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और फ्रेंड्स अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।